मेरा जो आज का सेशन है वो है सेकंड ट्राइमेस्टर का, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ से रिलेटेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के योगा सेशन आपने देखा है, जो भी सेकंड ट्राइमेस्टर के योगा सेशन को देख रहे हैं उन प्रेगनेंसी लेडीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको डायरेक्टली सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उसी के योगा सेशन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि पहले आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के योगा सेशन की प्रैक्टिस करनी है योगाज की। फिर उसके बाद में अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, परमिशन देती है, तो ही आपको ये पोजेस करने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप, स्ट्रेचिंग से रिलेटेड हैं। इसलिए आपको जो प्रोकेशंस हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि जो भी आपकी योगा पोजेस करते हैं वो आपको डॉक्टर की एडवाइस से करना है, खाली पेट नहीं करना है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप योगा पोज ना करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो वॉच करें तो वो थोड़ा सा देख के ना छोड़िए, पूरा देखना है आपको वीडियो, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए, पहला अपना योगा सेशन है, योगा सेशन नहीं बोलेंगे इसको, आप वार्म अप करेंगे। जो भी प्रेगनेंसी में जो भी योगा सेशन किए जाते हैं, योगा पोजेस होते हैं, वो पोजेस तो वही होते हैं जो अपन नॉर्मल करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि कहीं पे पेट पे जोर ना पड़े, कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये थोड़ा सा अपना एक कदम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी होता, तो उसमें जो कंफर्ट चीज़ें होती हैं वही हम करवाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले करेंगे अपन हिप रोटेशन। आपको एक वन थिंग और, प्रेगनेंसी से के जो योगा पोजेस हैं मैं बता रही हूँ, इसमें कहीं पे भी मैं आपको ब्रीथ को होल्ड करने, यानी कि सांस को रोकने की कोई पोजिशन नहीं बताती हूँ आपको। सिर्फ जो पोज है उसको आप 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको सांस को कहीं पे भी नहीं रोकना है प्रेगनेंसी में, ऐसा कहीं पे भी नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों पे थोड़ा सा गैप लेना है, इस तरीके का गैप लेकर के हिप्स कमर पे आपको हाथ हाथ रखना है और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। और इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में 5 टाइम्स और 5 टाइम्स राइट साइड में आपको हिप्स का रोटेट करना है हिप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
थ्री फोर फाइव, दूसरी साइड से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। आपको प्रेगनेंसी में पैर को जो नॉर्मल भी आप खड़े होते हैं तो थोड़ा गेप देके खड़े हुए, आपको जॉइन करके या पास पास में पैर को, लेग्स को नहीं करना है। आपको अपना जो सेकंड पोज है वो इसी पोजीशन में खड़े रहेंगे, और आपको इस तरह के दुपट्टा लेना है, दुपट्टा हो रस्सी हो कुछ भी हो इस तरीके से लेना है। मैं साइड में होके दिखाती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आपके हाथों में जितना बैलेंस बनता है आप इतना चौड़ा कर सकते हैं, अगर आप इससे कम कम चौड़ाई में कंफर्ट होते हैं तो कम भी कर सकते हैं। आपको आगे से लेके सांस भरते हुए आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है, सांस को छोड़ते हुए पीछे से आगे की तरफ लाना है, ठीक है। पूरा आपको ये आपके शोल्डर स्ट्रेचिंग का है, जो आपके आर्म्स का लेग आर्म्स का जो फैट होता है वो भी कम होगा, और यहाँ से जो अपने आर्म्स होती हैं वो मजबूत होती हैं और खुलती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं एकदम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको। साइड में पूरा लेके जाना आगे से 5 टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
9, 10। यदि आपको इसमें अनकंफर्ट फील हो रहा है, हाथ दुख रहे हैं, तो आप कम रेपिटेशन कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड वार्म अप है, वो भी अपना इसी तरीके से करना है। इसमें भी अपने को ऐसे ही खड़े रहना है, इस तरीके से खड़े रहना है। और जो अपना हाथ है, उसको आपको कान के पास में लेके जाना है। साइड स्ट्रेचिंग है ये, ऐसे सीधा रखना हाथ को, इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। बिल्कुल भी आपको बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, बॉडी को मोड़ना नहीं है कहीं से भी। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिर्फ कान के पास में एक हाथ सीधा होना चाहिए और दूसरा हाथ जहां तक आता है वहां तक आ जाएगा। आपसे जितनी रेपिटेशन होती हैं आप उतनी कर। बैक स्ट्रेचिंग का है, बैक स्ट्रेचिंग में अपन कैसे करेंगे, जो अपने हिप हैं उन हिप्स के ऊपर आपको क्या रखना है, हाथ रखना है, और गर्दन जो चेस्ट से ऊपर का हिस्सा है वो पीछे की तरफ मोड़ना है। सांस लेते हुए आगे करना है, सांस लेते हुए पीछे करना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है, ठीक है। लंबी ब्रीदिंग करनी है और आपकी अब जो टम्मी है उस पर किसी तरह का वेट नहीं होना चाहिए। आप जब अपने यूं करते हैं तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपके हिप्स में सिकुड़न होनी चाहिए, यू टाइटनेस आनी चाहिए। आपके थाइज और हिप्स पे ही केवल जोर पड़ना चाहिए और किसी चीज पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। कंफर्टेबली जितना आप पीछे हो सकते हैं उतना ही होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ रखेंगे हाथ, ठीक है, लेग्स को थोड़ा ओपन करेंगे। यहाँ हाथ रखने के बाद में आपको सांस भरते हुए पीछे जाना है। हाँ, छोड़ते हुए आगे आना है। कमर के हिस्से को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। ऐसे आपको 10 रेपिटेशन करने हैं, 5 करें तो 5 भी कर सकते हैं। अगर आप इतना करने के बाद में थोड़ा थक गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। मान लो पसीना आ रहा है, सांस भी फूलने लग जाता है क्योंकि अपनी हैबिट में नहीं होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके रेस्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पोज को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी पोज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो उस पोज को नहीं करना आपको। नेक्स्ट पोज है वो अपना बैक स्ट्रेचिंग का ही, वो है अपन हिप पे हाथ रख के कर रहे थे पहले। अब आपको हाथों को यूं करके जैसे पहले अपन जितना मुड़ रहे थे उसी तरीके से ब्रीथ लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे। फाइव या 10 रेपिटेशन करनी है आपको इसकी भी। अगला अपना पोज है साइड बेंड पोज। साइड बेंड पोज में हम कैसे करेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे और दोनों हाथों से 5 5 टाइम्स में आपको करना है। सांस भरते हुए आपको लेके जाना है ऊपर की तरफ यूं, और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है।
इस तरीके से आपको 5-5 रेपिटेशन करने हैं। अब जो आगे का पोज है, गोडेज पोज। गोडेज पोज मतलब क्या होता है, आपको पूरे लेग्स को इस तरीके से ओपन करना है। आपके जो पैर होते हैं, नीचे के जो तलवे हैं, लेग्स हैं नीचे वाले, वो इस तरीके से होने चाहिए। यदि आपसे बन पा रहा है इजी गोइंग तो आप बना सकते हैं, ठीक है। बनाना है इस तरीके से, सांस भरते हुए नीचे जाना है, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड कर लेना, नहीं कर सकते तो आप तुरंत भी खड़े हो सकते हो। आपके जो घुटने होते हैं वो बैंड होने चाहिए इस तरीके से। अगर इस तरीके से लेग्स करके करने में आपको दिक्कत होती है तो आप स्ट्रेट लेग्स में भी कर सकते हो। दूसरी पोजीशन स्ट्रेट लेग्स में भी कर सकते हो, 3 और 4 टाइम करना है आपको। इस तरीके से आपको घुटनों को यूं मोड़ना है, नमस्ते पोज बनाना है। 5 काउंट करें, वहां तक होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापिस से आपको करना है, 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव। अगला अपना पोज है वो है वीरभद्रासन 1 एंड 2। वीरभद्रासन में क्या करना है आपको, एक लेग तो आपको 45 डिग्री में रखना है, एक लेग को आपको 90 डिग्री में करना है, और जो आपका हिप रोटेशन है इस वाले लेग्स का वो यूं करना है, हिप्स को यूं रोटेट करना है। पैरों को एकदम अच्छे से खोलना है, बैंड नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे से पैर खुले होंगे तो बैंड नहीं होंगे नीज। ये जो नी है वो आपका पंजा है, उसी के लेवल में होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको कंफर्ट होना चाहिए, इस तरीके से करना है। फिर आपको इस तरीके से हाथ ऊपर लेके जा सकते तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको नमस्ते पोज बनाना है, नॉर्मल सब ब्रीदिंग करते रहना है। ऐसे ही आपको नेक से करना है, धीरे से यूं करना है। फिर आपको नमस्ते पोज बनाना है, लेग्स को बेंड करना है। इस तरीके से करना है आप। चलिए अपना आज का योगा सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में इसी का पार्ट सेकंड अपना चलेगा, आगे के वीडियो चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।